तो एक और नई कंपैरिजन वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर आज हम वीवो V25 प्रो के बारे में बताने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर कलर चेंजिंग ये फ़ोन है, तो कैसे क्या कलर है ये चेंज करेगा ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल वीडियो में एंड तक के जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर लुक और डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया चीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। डिज़ाइन में दोस्तों यहाँ पर वीवो ने कुछ नया काम करा है। वीवो V23 प्रो में दोस्तों आपको डिफरेंट टाइप की यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिली थी, वहीं पर इनहेंस डिज़ाइन यहाँ पर आपको V25 प्रो में देखने को मिल जाती है। कैमरा का सेटअप भी काफ़ी बड़े बड़े लेंसों के साथ आपको यहाँ दे रखा है। फ्रंट और बैक साइड पर आपको इसमें ग्लास का मटेरियल देखने को मिल जाता है। इसके वेट की बात करें दोस्तों तो V23 प्रो के मुकाबले में इसका थोड़ा सा वेट भारी होने वाला है, क्योंकि 190 ग्राम का इसका वेट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर थिकनेस 8.6 mm की यहाँ आपको दे रखी है। अगर डिस्प्ले की बात करें फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ दे रखी है, वहीं पर 120 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट HDR10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर पीक ब्राइटनेस आपको 1300 नीट्स की देखने को मिलने वाली है। 6.56 इंचेस के यहाँ डिस्प्ले साइज दे रखी है दोस्तों। इसी में 398 PPI की पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलने वाली है। परफॉर्मेंस दोस्तों एंड्रॉयड 12 पे ये बेस्ड है, फ्रंट टच 12 का यहाँ सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डायमेंसिटी 1306 NM के साथ आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। काफ़ी बढ़िया सा परफॉर्मेंस दे रखा है दोस्तों बजट अंडर बजट में यहाँ पर, और 128 GB का यहाँ पर स्टोरेज आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। ये थोड़ा सा काफ़ी बढ़िया सा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एक वेरियंट और इसका 12 GB 256 वाला वेरियंट, इसी में UFS आपको 3.1 का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। कैमरों के सेटअप दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सा वीवो ने काम करा है। सोनी के यहाँ लेंसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पर फ्रेम रेट 1.9 mm की देखने को मिलने वाली है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा इसमें अंदर दे रखा है। LED फ्लैश लाइट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। वीडियो रेजोल्यूशन 4K 30 FPS का इसके अंदर आपको सपोर्ट दे रखा है। फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर दोस्तों 4K 30 FPS का सपोर्ट आपको इसमें भी दे रखा है। लाउड स्पीकर की बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर 3.5 mm का जैक आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें दोस्तों फिंगरप्रिंट अंडर डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसमें फ्रंट साइड सेल्फी कैमरे से भी दोस्तों आप यहाँ पर फेस अनलॉक का फीचर यूज़ कर सकते हैं। कलर चेंजिंग यहाँ पर ब्लैक और पैनल कलर का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें दोस्तों बैटरी आपको वीवो V23 प्रो के मुकाबले में ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 4830 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जहाँ फास्ट चार्जर 66 वाट का होने वाला है। लुक और डिज़ाइन की बात करें दोस्तों यहाँ थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर चेंजेस देखने को मिल जाता है, वहीं बैटरी थोड़ी सी आपको इसके अंदर एनहेंस देखने को मिल जाती है V23 प्रो के मुकाबले में। वहीं पर दोस्तों डिस्प्ले पे थोड़ा सा अच्छा काम करा है, यहाँ पर 120 Hz का रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों कंपैरिजन V23 के मुकाबले में इसका अगर करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ बेटर आपको स्पेसिफिकेशन V25 प्रो में देखने को मिल जाते हैं। वीडियो कैसे लगे दोस्तों, यहाँ पर हमने टोटल स्पेक्स यहाँ पर रिवील करे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।